ना कि हमें सिर्फ कोई अपनी कंटेंट नॉलेज दिखानी है, विषय वस्तु में बहुत ज्ञान किसी अध्यापक का हो सकता है, केवल उसका ही प्रदर्शन जो है वो उद्देश्य नहीं है। और तीसरा जो शिक्षण ये जी, इन तीनों को किस प्रोपोर्शन में मिलाया जाए कि एक मीनिंगफुल यूजफुल इफेक्टिव कंटेंट बने जो कि हर बच्चे को उस ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके लिए वो कंटेंट बनाया गया था उसके साथ हम दे पाए। और टीचर्स भी जब उस कंटेंट को देखें तो वो फुल्ली इस बात से कन्विंस्ड होगी हाँ उनका जो पुराना कन्वेंशनल मेथड था उससे ये वाला जो कंटेंट है ये उनको काफी हेल्प करने वाला है, उनके रिसोर्सेज बचाने वाला है, उनकी एनर्जी और टाइम बचेगा अगर वो इस कंटेंट को यूज करते हैं। तो ये जो है थीम है जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई कंटेंट बनेगा तो आज के बाद से हमारी जो ये टीम है जिसमें कि कंटेंट रिव्यूअर के रूप में आप सभी को हम चाहते हैं कि बहुत ही ध्यान से बहुत ही बारीकी के साथ और एक जिम्मेदारी के साथ जब आप किसी कंटेंट को रिव्यू करेंगे तो उसके बाद आपके जो कमेंट्स हैं और उस कमेंट के ऊपर एक्शन लेने के बाद जब उस क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया जाएगा और वो कंटेंट उभर के आएगा नए स्वरूप में तो वो वाकई एक ऐसा कंटेंट होगा जिसको हम एग्जाम्पलरी कंटेंट कह सकते हैं, यानी कि वो कंटेंट जो है एज एन एग्जाम्पल किसी भी दूसरे पर्सन को स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन को हम दिखा सकते हैं कि ये स्टेट का कंटेंट है जो स्टेट ने बनाया था या स्टेट ने क्यूरेट किया था। वो किसी भी दूसरे पार्टनर का कंटेंट हो सकता है लेकिन हमारी नीड के हिसाब से वो खरा उतरता है इसलिए हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है। सो एक एक कंटेंट पीस बहुत ही बारीकी से हम सबको देखना है। और आज की जो एक्सरसाइज है हमारी जो हमारे इस 2 डेज प्रोग्राम का पार्ट 2 है और ज्यादा क्रूशियल और टेक्निकल है उसमें हम यही सब जानने वाले हैं कि किस तरह से हम कंटेंट को एग्जामिन करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को देखने के बाद आपको लगेगा आप आश्वस्त हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ अब ये आसान है न केवल एक रिव्यूअर के तौर पे बल्कि अगर आप एक क्रिएटर के तौर के ऊपर भी अगर कोई कंटेंट बनाएंगे तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक गाइड का काम भी करेंगे आगे से। इस प्रोग्राम के निरंतरता में हम कंटेंट क्रिएटर्स की वर्कशॉप भी करने वाले हैं और उस क्रिएटर्स की वर्कशॉप में आप सभी के क्रिएटर्स के जो इनपुट होंगे यानी कि आप भी उनको उनसे मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे, उनको डायरेक्शंस देंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में, वो भी हम आपके साथ उनका एक सेशन कराएंगे। सो ये जिम्मेदारी आप सभी समझते होंगे। समय के बारे में हमने कल बातें आपको बताई थी कितना समय लगभग लगने वाला है, हो सकता है कि उससे और भी कम समय में आप काम कर पाए। कोई जरूरी नहीं है कि सभी को 2 घंटे लगे रोज या सभी को 5-6 घंटे लगे, हर एक की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है। आप एक बार जब ट्रैक पे आ जाएंगे बार बार देखने में तो हो सकता है कि 1-2 हफ्ते के बाद आप अपने काम को 2-3 घंटे में ही निपटा सकते हैं पूरे वीक के अंदर, यानी कि आपका काम आधा पौन घंटे में चल सकता है। सो इस तरह से हम इस आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था हमारा जो काम है जो 2018 में स्टार्ट हुआ था उसमें टीम बहुत छोटी थी, काम भी छोटा था, लेकिन धीरे धीरे काम को हमने इतना बड़ा कर लिया है कि आज की डेट में जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास 7,000 से ज्यादा कंटेंट पीसेज हैं दीक्षा के ऊपर तो दूसरी स्टेट के अंदर कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि आपने ये सारे कंटेंट पीस जो है बिना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प के बिना किसी एजेंसी के सपोर्ट किए हुए बना लिए होंगे। लेकिन ये सच है, ये सही है, क्योंकि अब तक जो है हमने कोशिश की है कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो टीचर्स की और हमारे टीम की है वो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। लेकिन पूरे प्रोसेस के अंदर कई स्टेप होते हैं। एक पार्ट होता है कंटेंट का जिसके अंदर हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं बहुत अच्छे जानने वाले सब्जेक्ट को। दूसरी तरफ होता है टेक्नोलॉजी का जिसके अंदर जहां पर टेक्निकल नो हाउ की जरूरत पड़ती है वहां पर जरूरत पड़ती है हमें किसी न किसी टीम की जो हमें टेक्निकली सपोर्ट करे जिससे कि ये प्रोसेस जो है हमारे टीचर्स या हमारे कंटेंट क्रिएटर्स और रिव्यूअर्स जो हैं
वो अपना मेन काम छोड़ के किसी और टेक्निकल पार्ट के अंदर उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो काम के बल्क को देखते हुए 2021-22 से हमने एक टीम को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मैंने कल आपको इंट्रोड्यूस कराया था, वो टीम लीडरशिप फॉर इक्विटी के नाम से। इस टीम के 4 मेंबर्स जो हैं हमारे साथ कल भी जुड़े थे और आज जुड़े हैं, और पिछले 2 महीनों से लगातार हम सब मिलके स्टेट की का कंटेंट स्टेटस क्या है, हमारा कंटेंट गैप क्या है, हमारी क्वालिटी में गैप क्या है और हम कहाँ चल सकते हैं, इन सब के ऊपर जॉइंटली SCERT ने, डिपार्टमेंट ने, सक्षम टीम ने और हमारी इस एक्सपर्ट टीम ने, हम सब ने मिलके एक स्ट्रेटजी तैयार की कि हम 21-22 में थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से दीक्षा के ऊपर काम करेंगे। और हम किसी भी दूसरी स्टेट को अगर हम अपने खुद की स्ट्रेंथ के साथ में अगर उनको एक एक, एक फाइट दे सकते हैं या एक उनके कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं 1st 5 में, तो हम नंबर 1 पे भी आ सकते हैं। अगर हमें कुछ ऐसे एरियाज जहां पर हमें टेक्निकल हेल्प की जरूरत है वहां पर हम एक्सपर्ट एडवाइस ले लेते हैं। सो आज हमारे साथ जो है टीम में मधुकर जी हैं, साई प्रसाद जी हैं, सिरिसा जी हैं और टीम नंबर और मेंबर नंबर 4 साई जी, स्वप्निल भी है सर, स्वप्निल जी हैं, राइट। तो इन्हीं चारों के साथ में अब हमने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है कंटेंट रिव्यू की, उसके बारे में एक डिटेल एक प्रोसेस है जो सेट किया गया है टीम के द्वारा, वो प्रोसेस जो है आप अब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो मैं अब इनवाइट करता हूं टीम को और अब हम चलते हैं उस टेक्निकल वाले सेशन की तरफ जिसमें बड़े धीरे धीरे आपको एक एक स्टेप समझाया जाएगा। ये पूरा सेशन जो है आपकी हेल्प के लिए हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं क्योंकि टेक्निकली कई बार नेटवर्क या किसी दूसरे इशू की वजह से कुछ चीजें छूट जाती हैं, तो वो पूरा सेशन आपको दोबारा भी रिव्यू करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान से नोट करते रहें, पेन पैड अपने साथ रखें और एक एक चीज को नोट करते रहें। जहां भी कोई क्वेरी आए, क्वेश्चन आए, तो वो आप लास्ट के लिए रखें। जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उस समय आप आराम से एक एक प्रश्न जो है उनसे पूछना। तो इस पूरे सेशन पार्ट 2 के लिए अब मैं इनवाइट करता हूं टीम को। साई प्रसाद जी प्लीज आई टेक ओवर करें। यस यस, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू मनोज सर फॉर इनवाइटिंग अस एंड अलाउइंग अस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। तो आपका एक्चुअली LFE टीम की तरफ से मतलब धन्यवाद और आभार भी कि आपने हमें यहां पर जोड़ने का मौका दिया और आज हम यहां पर प्रेजेंट है। तो हमारे जितने भी रिव्यूअर्स आज अपने साथ जुड़े हुए हैं, सिरिशा, स्वप्निल, अर्जुन और मेरी तरफ से आप सभी का स्वागत है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे सर ने कहा हम अपने सेशन का पार्ट 2 अभी शुरुआत करने वाले हैं, उसमें हम थोड़ी टेक्निकल चीजें देखेंगे, मैं उसका एजेंडा शेयर करता हूँ। बट उससे पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम पूरे सेशन में अभी हम जितनी भी जानकारी देखेंगे उसके लिए 3 चीजों का हम प्लीज ध्यान रखते हैं। एक कि जहां जहां अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो अगर गलती से हम अनम्यूट हो गए तो हम खुद को म्यूट कर लेते हैं ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड कि हम अपनी वीडियोस ऑन कर लेते हैं क्योंकि अगर ये कोरोना सिचुएशन नहीं होता तो आइडियली हम सब एक रूम में साथ में बैठते, एक दूसरे को देख पाते, एक दूसरे से बातें कर पाते। तो अभी भी हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को देख पाए। तो इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज वीडियो ऑन कीजिएगा। एंड तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि जहां पर भी क्वेश्चंस है, जैसे सर ने कहा एंड में हमें वो डिस्कस करने का मौका मिलेगा, तो आप प्लीज नोट डाउन कीजिएगा आपके क्वेश्चंस अलोंग विद द स्टेप्स जो हम देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लिखिएगा ताकि वो मिस ना हो जाए। तो ये 3 सिर्फ रिक्वेस्ट है सभी से। और मैं अभी शुरुआत करता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। यस, तो हम जस्ट एक एजेंडा देख लेंगे कि ओवरऑल अपना फ्लो कैसे होने वाला है आज की इस पार्ट 2 ऑफ द सेशन का। तो जैसे पार्ट 2nd and 3rd जो पॉइंटर है एजेंडा में कि हम ओवरऑल पहले डिस्कशन करेंगे अराउंड कि डिजिटल कंटेंट का इम्पोर्टेंस क्या है करंट टाइम में। वो इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम ये भी देखेंगे कि अच्छे क्वालिटी कंटेंट के अलग अलग पैरामीटर्स क्या होने चाहिए। तो ये जो सेक्शन है इसमें हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से चर्चा करेंगे, अपनी ओपिनियंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 4 and 5 है उसमें हम एक्चुअली वो कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट जो सर ने हमें बताया, जो NCERT के धरती पर वो कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट जो तैयार की गई है
उसको डिटेल में हम जानेंगे, उसको हम एक वॉक थ्रू करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और थोड़ा प्रैक्टिस भी हम करेंगे वो रिव्यू करने का बेस्ड ऑन दैट कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट। तो ये अपना पार्ट नंबर 4 और 5 होगा आज के पूरे सेशन का। एंड द लास्ट सेक्शन इज जस्ट फॉर अस टू इंटरेक्ट, और कुछ क्वेश्चंस है तो वो हम देखेंगे और कुछ नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करके हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। तो ऐसा ओवरऑल अपना एजेंडा है आज, और हम अभी शुरू करते हैं। सर ने अपने लिए एक्चुअली बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि आज हम क्यों एज अ रिव्यूअर यहाँ पर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड क्या गोल हम अचीव करने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हम सबके लिए सेट किया है, तो हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए एक छोटा सा पोल लेते हैं। इसमें मुझे आप सभी से पूछना है ये सवाल कि आज तो हम एज रिव्यूअर्स करके हमने खुद को नॉमिनेट कर लिया, हम यहाँ पर आज के ये सेशन में आए भी, बट बिफोर वी गेट इनटू कि रिव्यू कैसे करना है, हम थोड़ा सभी लोग इस पॉइंट को एक एक डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल कंटेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बच्चों के लर्निंग के लिए कितना जरूरी है, कितना उसका इम्पोर्टेंस है। तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में अगर आपको रेटिंग देना हो 1 to 5 में, कि 1 मतलब बहुत ही कम जरूरत है एंड 5 मतलब बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या रेटिंग दोगे। तो आप सिर्फ ये नंबर अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 कि आपको क्या लगता है कितना डिजिटल कंटेंट। ओके, मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट सभी रेटिंग 5, 5, 5, 4, 5 इस तरह आ रहे हैं। ग्रेट, ठीक है, ओके, काफी लोगों ने एक्चुअली रिप्लाई किया है, सभी का मेरे ख्याल से कहना है कि 5 है या 4 है, 4 या 5। ओके, मेरा जस्ट दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम कहते हैं कि ये 5 या 4 इतना इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, Why is this digital content actually so important for student? तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में हम थोड़े से discussions करते हैं। तो मैं सभी से request करूंगा कि आप raise hand करके फिर unmute करके share कर सकते हैं कि आपको क्यों लगता है इतना important क्यों है digital content? Yes, सतीश कुमार सर, ये सतीश जी आप कह सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सर। सर एज पर माय ओपिनियन, एज द सर्कमस्टेंसेस आर गोइंग ऑन राइट नाउ, एज कोरोना इज गोइंग ऑन, द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस इन ऑफलाइन मोड, देन दे कैन स्टडी एंड दे कैन गेट द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ देयर कंटेंट। ओके, दे कैन स्टडी एंड दे कैन गेट अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस, अभी कोरोना के टाइम में उसके वजह से उसका जरूरत अभी बढ़ गया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। डॉक्टर नरेश सर, आप भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर, एक जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, हाँ, वो बच्चा उसी के कंटेंट को पढ़ रहा होता है, यानी उससे ही समझ रहा होता है। कुछ कंटेंट हो सकता है उसकी पेडागोजी में या कुछ और समस्याएं हो, उसको वो नहीं समझ पाए बेटर वे से, तो वो ई कंटेंट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरे अच्छे टीचर्स या कुछ ऐसे टीचर्स को भी सुन सकता है, देख सकता है, जो उस सब्जेक्ट के एमिनेंट स्कॉलर रहे हो, या उसको बेटर वे से समझने का प्रयास कर सकता है ई कंटेंट पे जाके। प्रायर टू दैट जो मेरे एक साथी ने कहा था, उसके साथ साथ ये वाली बात भी ई कंटेंट के साथ आती है। थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। मतलब जो टीचर हमें सिखा रहे हैं उसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल कंटेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर शेयरिंग। यस मैम, आप भी शेयर कर सकते हो। सुमन मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। तो जब जब हम क्लासरूम स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे फेस टू फेस होते हैं और वो हम उनका रिएक्शन देख सकते हैं या वो अपनी क्वेरीज साथ साथ पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हम कंटेंट को रिव्यू किए बिना डालेंगे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा या इम्प्रेसिव नहीं होगा। उसको रिव्यू करना इसलिए जरूरी है कि हम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है या क्या क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं स्टूडेंट के। तो दैट इज वाई अगर हम थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि रिव्यू करने की क्या जरूरत है और रिव्यू करने से क्या फायदा हो सकता है। मेरा सवाल थोड़ा एक लेयर और ऊपर का है,
कि रिव्यू करने से पहले डिजिटल कंटेंट ही क्यों इम्पोर्टेंट, उससे ही क्या फायदा होगा, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर जानने की। यस सर, जी हाँ सर, आप बता सकते हो। यस, एक लास्ट रेस्पॉन्स हम लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, कुलदीप सर आप शेयर करना चाहोगे? जी सर, थैंक्स। ई कंटेंट का सर एक बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चा जब मर्जी चाहे अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकता है और जितने मर्जी बार देखना चाहे वो देख सकता है। एब्सोल्युटली, तो जैसे बच्चे अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कल हमने एक वर्ड देखा था कि हाई क्वालिटी कंटेंट एट द डिस्पोजल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट, उनको जब चाहिए उनके कन्वीनियंस के हिसाब से वो देखे। तो ये बहुत सारे पॉइंटर्स जो हमने अभी देखे उसमें से एक एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि बच्चों के लर्निंग के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि और अग्री भी करते हैं कि इम्पोर्टेंट है, बट उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको जो विजुअलाइज करने के लिए हेल्प चाहिए, जो टीचर जो सिखा रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल कॉन्टेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड गोइंग अहेड ऑल्सो इन द कमिंग ईयर भी अगर सिचुएशन ऐसे ही रहे और वर्चुअल सेटिंग में ही पढ़ाई हो रही है तो ये डिजिटल कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए, टू स्टॉप देयर लर्निंग लॉस, कि उनको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिलते रहे, जब भी कभी उनको टाइम मिल रहा है उन लोगों पढ़ते रहे। ये सब हम इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ ये पॉइंट कहना चाहता हूँ कि हम जो ये रिव्यू का काम करने वाले हैं, एज अ रिव्यूअर हम करने वाले हैं, हम इन अ वे ये डिसाइड करेंगे कि हमारे बच्चे जब ये पढ़ाई करेंगे उनके कन्वीनियंस के हिसाब से So, कौन से दर्जे के लर्निंग रिसोर्सेस उन लोग देखने वाले हैं और उनसे पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अपना जो ये पूरा रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एक टेक्निकल रोल ये नहीं है कि ये कंटेंट के हमने कुछ एस्पेक्ट्स देखे उसको अप्रूव या रिजेक्ट किया, हमें बहुत बारीकी से और बहुत मेरे ख्याल से बहुत सोच विचार से ये देखना है कि जो भी कॉन्टेंट हम देख रहे हैं, अप्रूव कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो पूरे साल भर के लिए और उससे आगे भी बच्चों के लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने। और यही जब कंटेंट हम कहेंगे कि बच्चों को देखना है तो ऑफकोर्स हम ये इंश्योर करेंगे कि ये कंटेंट अच्छे क्वालिटी का हो, उसी लिए आज हम मिले हैं कि अच्छे क्वालिटी का कंटेंट हम कैसे सेलेक्ट करें यही देखने के लिए। तो उसमें मुझे अभी जस्ट ये सवाल सबसे पूछना है कि अगर हम अच्छे क्वालिटी का कंटेंट हमारे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं तो कोई भी कंटेंट को एक अच्छा कंटेंट क्या बना, ऐसी कौन सी चीजें एक डिजिटल कंटेंट में होनी चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि ये कंटेंट एक अच्छे क्वालिटी का कंटेंट है, इसके बारे में आप सबको क्या लगता है? इसके लिए भी हम कुछ रेस्पॉन्सेस लेना पसंद करेंगे, शेयर कर सकते हैं, फिर से आप रेज हैंड करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें एक डिजिटल कॉन्टेंट में होनी चाहिए जिससे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टेंट एक अच्छे क्वालिटी का कॉन्टेंट। इसका थोड़ा आंसर सुमन मैम ने ऑलरेडी दिया था कि बच्चों के नजरिए से क्या वो कंटेंट में कुछ चीजें हैं ये हमें देखना, राइट, तो वैसे और कौन से पहलू? यस मुकेश सर आप बता सकते हैं। हेलो सर। यस इसमें ये है कि जैसे बच्चों को एक मतलब रोल प्ले के रूप में या फिर मतलब कार्टून के रूप में या फिर मतलब उनको एनिमेशन के थ्रू अगर हम ये कंटेंट प्रोवाइड करवाएं तो जैसे अब बच्चे हैं छोटा भीम देखते हैं या फिर मतलब ऐसे जो चीजें होती हैं वो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और वो उसको मतलब एज ए हीरो मतलब अपना ही रोल मॉडल जो है समझने लगते हैं, तो वो बच्चे जो है लगातार फिर जो नेक्स्ट पीरियड मतलब उसमें क्या होगा नेक्स्ट तो नेक्स्ट नेक्स्ट से जब वो चलते हैं तो मतलब वो आगे के लिए भी अपनी रुचि उस कंटेंट में बनाए रखते हैं। ओके तो सर आपका अगर पॉइंट अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो बच्चों में क्यूरियोसिटी जनरेट होनी चाहिए डिजिटल कॉन्टेंट, क्या ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि उनको नेक्स्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा एंथुजियाज्म लगने लगे या क्यूरियोसिटी जनरेट डिजिटल, तो ये कंटेंट एक अच्छा है ऐसा हम कह सकते हैं, राइट सर? हेलो सर। यस सर। सर जो डिजिटल कंटेंट है वो जिस सब्जेक्ट का भी है उस सब्जेक्ट का और जिस टॉपिक के लिए वो डिजिटल कंटेंट बना है उस डिजिटल कंटेंट में वो टॉपिक कवर कितना हो रहा है और किस तरह से कवर किया गया है ये बच्चे को समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए
मतलब उसका कैसे सब्जेक्ट टीचर ने या सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने उसको पेडागोजी को लेते हुए बच्चे को समझाने का प्रयास किया है। ओके, अगर उसके अंदर ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट, पेडागोजी और टेक्नोलॉजी तीनों साथ मिलके बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है तो ही वो क्वालिटी कंटेंट हो सकता है। सब्जेक्ट में आप ये कह सकते हो उच्चारण उसका ठीक होना चाहिए, उसका जो मतलब सब्जेक्ट का मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए और टेक्नोलॉजी भी उसके अंदर ठीक होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हो सकता है। श्योर सर, थैंक यू सर। इसमें मैं आपको सिर्फ थोड़ा और एक फॉलोअप प्रश्न ये विचारना पूछूंगा कि जब हम कहते हैं कि पेडागोजी के लिए अच्छा होना चाहिए और टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा होना चाहिए, तो उसमें आप क्या देखते हो, क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में क्या चीजें कवर होनी चाहिए? सर, टेक्नोलॉजी के अंदर वो बच्चा उसके अंदर मतलब उसको देखने के लिए, जैसे किसी कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट को बच्चा देखना चाह रहा है, उसको इंटरेस्ट भी आना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी में हम कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करें कि वो बच्चा इंटरेस्ट रहे, उसको ये रहे कि हाँ अब इससे आगे ये कंटेंट और अच्छा आने वाला है। शुरुआत उसकी कंटेंट की अच्छी होनी चाहिए और जो हम बताना चाह रहे हैं बच्चे को, जैसे क्लासरूम में हम एक टीचर के रूप में उसको बताते हैं, वो हम अपने डिजिटल कंटेंट या उस वीडियो या डिजिटल माध्यम से जो बताना चाह रहे हैं वो उसको कम्प्लीटली बता पाए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कंटेंट भी हमने देखे हैं यूट्यूब पे कि बताना कुछ चाह रहा है अध्यापक और बता कुछ रहा है, कुछ और ही बता रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बताना चाह रहा है और क्या बताना उसको चाहिए, मतलब क्या चाहिए और क्या चाह रहा है, इसमें कहीं अंतर नहीं होना चाहिए, मैं जहां तक समझ रहा हूँ। थैंक यू। चलेगा, थैंक यू सर। मतलब कहीं कहीं आप ये कह रहे हो कि जो टॉपिक एक्चुअली कन्वे करना है और क्या कन्वे हो रहा है, इन दोनों में मैचिंग मतलब होना चाहिए, उसमें कोई तफावत नहीं। यस यस सर, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, मायसेल्फ संजीव अग्रवाल, कैन आई स्पीक? यस सर, यस सर, गो अहेड प्लीज। सर, एक बात इसमें मैंने देखी है कि जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी से डिफरेंट होता है। okay. पहले तो हमें ये डिसाइड करना है ना कि हमने सिलेबस से कंसर्न्ड ही पढ़ाना है या हम वैसे उसको टॉपिक की नॉलेज देना चाहते हैं। नहीं नहीं सर, फिलहाल हम कंटेंट कैसे अलाइंड है वो नहीं देखते, हम ये सोच रहे हैं, मतलब हम एक लेवल ऊपर से सोच रहे हैं कि कोई भी डिजिटल कॉन्टेंट हो अगर वो अपने पास हो और वो कॉन्टेंट को हमें परखना है कि ये कॉन्टेंट अच्छा है या ये कॉन्टेंट बुरा, तो हम ऐसे कौन सी चीजें वो कंटेंट में देखेंगे ये कहने के लिए कि वो कंटेंट अच्छा है? नहीं सर, जैसे हम वी वांट टू एक्चुअली कंसंट्रेट ऑन द सिलेबस ना, अदरवाइज इफ यू वांट टू गिव द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स और यू वांट टू कवर द सिलेबस, देयर आर टू ऑप्शन। राइट सर, राइट। इफ यू वांट टू कवर द सिलेबस देन द मटेरियल शुड बी बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। ओके ओके, गॉट इट। मान लो बच्चा है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए वो पेपर में, क्योंकि देखो जो यूजुअल क्लासेस हैं वो तो लग नहीं रही, बच्चा इन्हीं डिजिटल कंटेंट पे ही निर्भर है, तो कम से कम उस तरह का मटेरियल उसको प्रोवाइड किया जाए ताकि वो बच्चा जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए अगर उसका वो एग्जामिनेशन में बैठता है। ओके सर, ओके ओके, मतलब इट डिपेंड्स ऑन, आप कह रहे हो कि वेदर इट्स एकेडमिकली टेक्स्टबुक अलाइंड और इट्स आउट ऑफ द टेक्स्टबुक, कई कुछ और लर्निंग कंटेंट, उस हिसाब से उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। हेलो हेलो, लास्ट रिस्पांस लेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस टेक वन लास्ट रिस्पांस। एक्सक्यूज मी, समथिंग? यस, हम मैम का सर रिस्पांस ले ले एंड देन वी कैन अगेन सी इफ देयर इज। ओके ओके ओके, यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। Sir, I'm Sheeta Gupta, and I would like to add one point that the content should be to the point and precise. Okay. Moreover, whatever content we are sharing with our students, we should pinpoint that the content should be according to the age level or mental level, whatever message or whatever our objective is to deliver. To share that content, वो objective हमारा achieve होना चाहिए, बच्चे को वो matter to the point समझ आए, वो भी more in very very interesting manner, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें definition वहाँ पे बच्चे को cram करवानी है, हमें सिर्फ matter इस ढंग से समझाना है कि बच्चा अपनी language में उसे समझा सके, understanding is more important,
और डिजिटल में सर एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि कई बार क्या होता है कि टीचर नेचुरली मोनोटोनस है, वहां पे बच्चा नहीं बोल रहा है तो अगर हम बीच में अगर कुछ क्वेश्चंस, जैसे हम लोग अभी पहले कुछ ट्रेनिंग्स करते थे, तो अगर हम कुछ क्वेश्चंस अगर उसमें बीच बीच में कि बच्चा उसको सॉल्व करे तभी वो आगे बढ़े, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप रहता है कि बच्चा इंटरेक्ट करता है, बच्चे को ये नहीं लगता कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, कभी भी सुन लूं और सो जाऊं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कुछ एक एनिमेशन हो तो बच्चों को उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। got it. सर दो पॉइंट रखना चाहूंगा सर इसमें। थैंक यू सर। जी सर, एज पर आईक्यू लेवल और एज सर हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं, एक तो 1 to 8 और 9 to 12। सर 1 to 8 में एनिमेशन वाला वर्क ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है सर, और 9 to 12 के अंदर उतना इफेक्टिव नहीं है, तो मैं 9 to 12 पे ही थोड़ा सा फोकस करूंगा। सर सबसे अच्छा डिजिटल कंटेंट के अंदर एक क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, जो चीज कंटेंट क्रिएटर बोल रहा है वही चीज स्क्रीन पर दिखाई दे, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें ना दिखाई दें। होता क्या है सर, जो चीज हम बोल रहे हैं उसके अलावा 3-4 लाइनें और नीचे दिखाई दे रही हैं, तो हमारा ध्यान वहां पर भी जाता है। ये मेरा एक सजेशन है सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर थॉट्स for sharing kiya I want to add something more sir I would just request yes sir you can add main baki sab se request karunga ki aapke jo points hai aap chat box mein please share kijiyega sir you can add couple of points and then we can go ahead baki sab se meri request hai aap chat box mein please aapke responses add kijiye जो कंटेंट हम देखना चाह रहे हैं कि गुड कंटेंट की कैटेगरी में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिलेटेड विद द प्रीवियस कंटेंट, रिलेटेड मतलब जैसे प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ाया उससे कनेक्टेड होना चाहिए, एंड सेकंडली इंटरेक्टिव होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग कि इफ पॉसिबल देन सम पिक्चर्स और क्लिप्स कैन बी आल्सो एडेड, ओनली थ्योरी पार्ट ना हो, ओनली एक्सप्लेनेशन ना हो, उनके अंदर यदि पिक्चर्स हो, और इन द लास्ट सम असाइनमेंट्स रिलेटेड दूसरा गुलशन सर ने भी यही कहा है कि इट शुड बी एनरिच्ड विद ग्राफिक्स, जो सतीश सर अभी हमें कह रहे थे, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल कि स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के हिसाब से है, एंड देयर आर अदर pointers also which are coming, activity, active learning based hona chahiye, pedagogical analysis hona chahiye, it must not be lengthy, all of these are very valid points. Abhi ye sab humne pehle iske liye discuss kiya hai aur iske liye hum dekh rahe hain, kyunki ek bahut important point yahan pe hamare sabke samne aa raha hai ki jab hum actually content review karne jate hain, jab hum wo action karte hain, tab bahut baar wo content mein kya dikh raha hai iske bare mein hum उसके बेसिस पे उस कंटेंट को हम रिव्यू करते हैं, वैसे हो जाता है साइकोलॉजिकली कि सामने जो दिख रहा है उसके बेसिस पे हम रिव्यू करते हैं, बट यहाँ पर जो सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स आर इन द बैक एंड, कि कंटेंट को किस नजरिए से बनाया गया है, कॉन्टेंट में किस तरह की लैंग्वेज, ये सारी जो बारकाइयां है वो कॉन्टेंट में कभी कभी दिखती नहीं है, दोज आर अराउंड द थॉट प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉन्टेंट। सो एज ए रिव्यूअर हमें ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि कंटेंट में दिख क्या रहा है और कंटेंट को किस थॉट प्रोसेस से बनाया गया, ये दोनों पहलुओं को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसीलिए जैसे आपने अभी कहा, इसी के ही कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर हमने समराइज भी किए हैं कि स्टूडेंट के अटेंशन स्पैन को मद्देनजर रखते हुए कॉन्टेंट बनना चाहिए, कि जैसे मैम ने भी शेयर किया था कि पूरा लेंदी लेंदी अगर कंटेंट हो उसमें बीच में क्वेश्चंस डाले तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर स्टूडेंट्स आल्सो टू एंगेज। फिर एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस यूज तो किए हैं, बट उनका पर्पस क्या है, अलोंग विद एज ग्रुप द एनिमेशन आल्सो चेंजेस, कि क्या ग्रेड 1 to 5 के लिए कम ज्यादा एनिमेशन की जरूरत है, 6 to 8 के लिए उससे कम, 9 to 10 के लिए बहुत कम, एंड 11, 10, 12 के लिए जरूरत है भी या नहीं, उसका भी सोचना। तो अगर एनिमेशन डाला है तो क्या पर्पस से उसको डाला है, ये भी हमें सोचने की जरूरत है। फिर कंटेंट बनाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, टेबल टॉप मेथड होता है जहां से ऊपर से शूट किया जाता है, स्क्रीन शेयरिंग मेथड होता है कि किसी ने स्क्रीन शेयर किया उस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, टॉकिंग हेड है, इंटरव्यूज है, ये अलग अलग मेथड्स है। तो कभी कभी क्या होता है कंटेंट को ये सारे मेथड्स को मिक्स करके बनाया जाता है, तो क्या वो कंटेंट में कंसिस्टेंसी है, इस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, वो भी हम देख पा रहे हैं या नहीं।
कि बच्चों की वो डिफिकल्ट ना हो कि अच्छा पहले कोई बात कर रहा था अभी मुझे सडनली स्क्रीन पे देखना है, अभी सडनली मुझे एक अलग ही व्यू दिख रहा है, क्या इस चीजों का भी ध्यान रखा गया। एंड एक और चीज जो मेरे ख्याल से सभी ने कही कि कंटेंट एक कन्वर्जेशनल टोन में होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि बच्चों जब ये कंटेंट देख रहे हैं, बच्चे जब ये देख रहे हैं उनसे कोई एक्चुअली बात कर रहा है, उनसे इनसे कोई एक्चुअली समझा के बता रहा है, बहुत मोनोटोनस या रोबोटिक ना हो। ऐसे कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स थे। और अभी अगर आपने देखा कि ये सारे पॉइंटर्स जो अभी हमने डिस्कस किए ये कहीं ना कहीं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है, मतलब अगर हम इनको विजुअलाइज करने जाए तो ये कभी कभी मुश्किल होता है कि अगर मैं कंटेंट को इवेल्युएट करूं कि उसमें अलग अलग बच्चों के अटेंशन स्पैन को सोचा है या नहीं, ये मैं कैसे देखूं, उसको मैं कैसे इवेल्युएट करूं, ये चीजें समझना मेरे ख्याल से कंटेंट से रिलेट करना ये बहुत मुश्किल कभी कभी हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने कंटेंट इवेल्युएशन फ्रेमवर्क्स बनाए, जो मनोज सर भी कह रहे थे कि एनसीईआरटी के गाइडलाइंस है, दीक्षा के गाइडलाइंस है, ये सारे गाइडलाइंस का प्रयास यही होता है कि ये सारे जो अब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट्स है कंटेंट रिव्यू के उसको अभी बंद कैसे करो, फिर मेरे को बिठाया आपको कभी तो पता नहीं, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कर ले तो अच्छा। यस थैंक यू। ओके तो कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट ये क्यों बनती है, ये इसीलिए बनती है ताकि हम ये सारे अब्स्ट्रैक्ट चीजों को क्वांटिफाई करें और बहुत सिंपल तरीके से कंटेंट को इवैल्यूएट करें यूजिंग जस्ट यस और नो रिस्पॉन्सेस टू ऑल ऑफ दिस पैरामीटर्स। तो अभी हम उन कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देखेंगे। आई होप अभी का डिस्कशन जो हमने किया दैट वाज यूजफुल जस्ट टू बिल्ड अ लेंस ऑफ हाउ वी एज कंटेंट रिव्यूअर्स हमें कितने बारकाइयों की सोच करनी है, मतलब सोचना है उनके बारे में, हमें सोच के कंटेंट को रिव्यू करना। अभी हम एक्चुअली अपने कंटेंट रिव्यू चेकलिस्ट पर आएंगे और ये रिव्यू प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। ओके तो अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोट्स भी ले सकते हो, आप आपके क्वेश्चंस भी लिख सकते हो और प्लीज स्क्रीन पर भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो कि नोट्स लेने में हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे, स्क्रीन पर भी प्लीज ध्यान दीजिए। तो डिजिटल फ्रेमवर्क्स जो अब हम देखेंगे वो एक्चुअली इंडिया पर बहुत सारे फेमस अलग अलग कंटेंट इवैल्यूएशन गाइडलाइंस है। एक लोब फ्रेमवर्क है जो IIT बॉम्बे ने बनाया है, जो एक्चुअली इंटरनेशनली भी रेफर किया जाता है कंटेंट इवैल्यूएशन के लिए। उसी के साथ साथ NCERT गाइडलाइंस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है कि कैसे कंटेंट को इवैल्यूएट करें। दीक्षा टीम ने खुद एक कंटेंट क्रिएशन गाइडलाइंस बनाया जिससे हम कंटेंट को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। अभी जैसे सर ने कहा कि हमारी टीम ने इस पर थोड़ा पहले भी काम किया है, तो हमने महाराष्ट्र में जो दीक्षा का ओवरऑल प्लेटफॉर्म है उसके लिए एक 2.5 साल मैंने सिरीशा स्वप्निल हमारी टीम ने उसके लिए काम किया है पूरे कॉन्टेंट एग्रीगेशन रिव्यू प्रोसेस में। तो इसमें हमने एक छोटा सा काम ये किया था कि ये सारे जो गाइडलाइंस है ये गाइडलाइंस के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको निकालकर एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाया है कि कंटेंट इवैल्यूएशन करने के लिए कौन सी चीजें जो है वो हमें डिटेल में देखनी चाहिए। और अगर हमें कोई हाई क्वालिटी कंटेंट देखना है और उसको अप्रूव करना है तो उसमें वो सारे डिटेल्स है क्या, वो हमने इवैल्यूएट करने के लिए एक छोटे से पॉइंटर्स निकाले हैं। तो अभी हम वो सारे पॉइंटर्स देखेंगे बट ये काफी डिटेल्ड है तो हम एकदम डिटेल में जाके सब कुछ नहीं देखेंगे। मैं जस्ट मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं यहां पर, ये वो ओवरऑल शीट है। क्या मेरी स्क्रीन सबको ठीक से दिखाई दे रही है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूं। यस सर। यस थैंक यू सर। यस तो चार मेजर कैटेगरीज जो है वो कंबाइन की गई है ये सारे गाइडलाइंस में से। पहली कैटेगरी जो है वो है नॉलेज पीसेस, मतलब क्या इंफॉर्मेशन हमें ये सारे कॉन्टेंट से मिल रही है, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है वो इन्फॉर्मेशन को इवेल्युएट करने के लिए सब कैटेगरीज, कि क्या वो इन्फॉर्मेशन फैक्चुअली एक्यूरेट है, क्या वो उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो एक रिलायबल सोर्स से आ रही है, फिर क्या वो इन्फॉर्मेशन सुटेबल है बच्चों के एज ग्रुप के लिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ऐसा ना हो कि कॉन्टेंट है 8th ग्रेड का बट उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिए है वो शायद grade 2 या grade 3 के बच्चों के लिए है। और जैसे सर ने भी बीच में शेयर किया कि कॉन्टेंट है grade 11 का बट बहुत ज्यादा एनिमेशन यूज किए वहां पे जरूरत भी नहीं, तो ऑल दो सब कुछ एक्यूरेट है बट क्या वो सुटेबल है वो भी हमने देखना चाहिए, क्या वो बच्चों से कॉन्टेक्स्ट से रिलेवेंट है, उनके जो डे टू डे लाइफ का जो कॉन्टेक्स्ट है क्या वो सारी चीजें उस कंटेंट में सोची गई है या नहीं। तो ऐसे ये ओवरऑल सब पॉइंटर्स है जो काफी डिटेल में है। तो पहला तो नॉलेज पीस है जो इन्फॉर्मेशन है, दूसरा एरिया है पेडागोजी कि क्या इसको जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाएगा उस चीजों का सोच विचार किया गया है,
इस कॉन्टेंट में, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। बीच में सर ने भी शेयर किया था कि प्री रिक्विजिट नॉलेज पहले वाले इससे कनेक्टेड होना चाहिए, सो क्या वो प्री रिक्विजिट नॉलेज टॉपिक्स उनको लिस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन फ्लो एकदम क्लियर है पूरे कॉन्टेंट में, कन्वर्जेशनल स्टाइल कैसी है, ऐसी चीजों का भी हम सोच विचार कर। ओके शिरीषा क्या मेरी और मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आपकी आवाज आ रही है साई। यस यस, सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिलाइंग ऑन स्क्रीन विजिबल। यस शिरीषा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बीच में इंटरनेट चला जाता है और पता भी नहीं चलता तो ऐसा हो जाता है। ओके तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। चलिए ओके इज इट विजिबल नाउ? ओके नॉट येट सर, या नाउ इट इज हो रहा है। चलिए ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोगों के वीडियोस भी ऑन है, थैंक यू सो मच आपने वीडियोस ऑन किए हैं। यस मेरी स्क्रीन आई होप दिख रही है। तो हम पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं कि पहला जो था अपना पैरामीटर ओवरऑल वो था नॉलेज पीसेस, इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट किया है। सेकेंड इज पेडागोजी, क्या टीचर के टीचिंग स्टाइल का उसमें सोच विचार किया गया। थर्ड जो सेक्शन है वो है टेक्नोलॉजी, बहुत ही टेक्निकल चीज है कि साउंड क्वालिटी कैसी है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्लैरिटी ऑफ इमेज कैसी है उसमें। एंड द लास्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से मैम ने ये शेयर किया था, असेसमेंट, क्या कॉन्टेंट में असेसमेंट भी है। वो ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं कि हर कंटेंट में असेसमेंट है, बट अगर असेसमेंट है तो वो असेसमेंट को लर्निंग आउटकम से जोड़ा गया है या नहीं, क्या असेसमेंट कुछ और ही है और वीडियो में कुछ और ही दिखाया गया है, ऐसी चीजें हो रही है। तो ऐसी ये बहुत ओके लाइट वापस आ गई, तो इन गुड कि हम फिर से जुड़ गए हैं। या बट हमें नो शिरीषा, आई थिंक आई वॉज गोइंग टू स्टॉप, वहीं पे रुकने वाला था। हमने जो चार अलग अलग पैरामीटर्स देखे अभी, क्या कोई क्विकली चैट बॉक्स में या बता पाएगा वो कौन से चार मेजर कंपोनेंट्स थे जो अभी हमने देखे? यस मैं मेरा वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। नॉलेज पीसी सर, पेडागोजी, टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट रिलेटिंग टू लर्निंग आउटकम। ऑसम थैंक यू सो मच सर। नॉलेज पीसेस की क्या इंफॉर्मेशन है, फिर हमने देखा कि पेडागोजी का सोच विचार किया गया है नहीं, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स का किस तरह से है, एंड देन लास्ट वाज असेसमेंट्स, राइट। अभी फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं मेरा वीडियो ऑफ रख रहा हूं जस्ट सो दैट इंटरनेट का बैंडविड्थ थोड़ा कम यूज हो। अभी इन्हीं सब डिटेल्ड गाइडलाइंस को अगर हमने देखा कि कोई भी हाई क्वालिटी कॉन्टेंट हमें देखना है तो आइडियली ये सारे पैरामीटर्स उसमें अच्छे से कवर होने चाहिए, बट अभी हम जो रिव्यू करने वाले हैं अपने कॉन्टेंट का वो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इट इज गुड इनफ टू बी होस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, इट इज अ गुड क्वालिटी कॉन्टेंट, एंड उसके लिए कुछ बेसिक मिनिमम पैरामीटर्स है जो वो कॉन्टेंट में होने ही चाहिए। फॉर इंस्टेंस अक्यूरेसी, सुटेबिलिटी, ये सारे जो रेड कलर में इधर दिखाए गए हैं वो है बेसिक मिनिमम पैरामीटर्स ऑफ एनी कॉन्टेंट टू बी सेट टू बी लाइक अ गुड क्वालिटी कॉन्टेंट, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। और उसके लिए ये पीपीटी भी आप सबसे शेयर होगा, उसमें यहाँ पर ये सारा जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो यहाँ पे लिंक किया गया है, वो मैं अभी आपको ये रेफरेंस शीट में दिखाने वाला हूँ। तो इसके क्या है ओवरऑल 6 स्टेप्स, तो वो 6 स्टेप्स क्या है वो भी यहाँ पर हमने पीपीटी में लिखे हैं, वो अभी हम जानेंगे, और अगर आपको आगे जाके रेफर करना हो तो ये सारे 6 स्टेप्स के स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं ताकि आप देख पाओ कि एक्चुअली एक्सेल शीट में कैसे हम ये स्क्रीनशॉट्स को देखें और रिव्यू करें। बट अभी मैं क्या करता हूँ कि आई विल टेल एवरीवन इन डिटेल कि ये बेसिक सिंप्लीफाइड जो अपनी रिव्यू शीट है वो कैसी दिखती है, उसमें हमें क्या काम करना है, एंड उसके बाद हम डिस्कशंस क्वेश्चन आंसर्स करें। ओके तो कल जैसे मनोज सर ने हम सबके साथ शेयर किया कि अपनी जो कंटेंट रिव्यू टीम है जो स्टेट लेवल टीम बनेगी वो चार लेवल पर बनेगी। हर सब्जेक्ट के लिए देर विल बी अ टीम फॉर ग्रेड 1 to 5, there will be a team for grade 6 to 8, there will be another team for 9 to 10 and another team for 11 to 12. तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए हो और आप इसमें से जिस टीम से बिलोंग करते हो 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12, उस हिसाब से आपको ऐसे एक एक्सेल शीट मिलेगी और उस एक्सेल शीट में आपके ग्रेड से रिलेटेड
जो भी चैप्टर्स आते हैं ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, अभी ये एक्सेल शीट है ग्रेड 1 to 5, और जैसे सर ने भी कहा सेट साइकिल वाइज जो भी चैप्टर्स उसमें आते हैं वो ऑलरेडी ये एक्सेल शीट में भरे हुए होंगे कि उनके चैप्टर नेम है, कौन से कंटेंट पार्टनर से हमें ये कंटेंट मिला है, उसकी लिंक यहाँ पर होगी, नेम ऑफ कंटेंट जो टॉपिक कवर कर रहा है वो भी यहाँ पर है, और अभी आपके फॉर्म्स जो गूगल फॉर्म से रेस्पॉन्सेस आए हैं आपके नेम्स भी यहाँ पर होंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि आपको कौन सा कॉन्टेंट रिव्यू था। ये सारी एक्सेल शीट जब आपको मिलेगी, इसी एक्सेल शीट में ये जो बेसिक हमने जो मिनिमम क्वालिटी पैरामीटर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए, अभी हम इसको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या मिनिमम क्वालिटी पैरामीटर्स है। सबसे पहला जो कॉलम है कॉलम एच, इसमें लिखा गया है कि जो भी कंटेंट आप देख रहे हो क्या वो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वही कंटेंट हमें दिख रहा है। ये स्टेप हम फिलहाल नहीं करने वाले, इसके लिए इसको नॉट एप्लीकेबल लिखा है, बट आगे जाके कभी अगर हमें क्रॉस वेरीफाई करना हो तो ये यूजफुल हो सकता है, तो इसके लिए रखा। बट जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज एक्यूरेसी, कि जो भी कंटेंट हम देख रहे हैं क्या वो कंटेंट में सारी इंफॉर्मेशन फैक्चुअली करेक्ट है, उसको हम एक्यूरेसी कह सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स से ली गई है या नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक से ली गई है या फिर कोई कभी कभी विकीपीडिया का रेफरेंस दिया जाता है, बट क्या विकीपीडिया एक्चुअली रिलायबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ये सारी चीजें हमें सोचनी चाहिए। तो एक्यूरेसी इज द फर्स्ट पैरामीटर। उसी के बाद है सूटेबिलिटी, कि क्या ये सारा इंफॉर्मेशन जो बच्चों को दिखा है वो एज अप्रोप्रिएट है या वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, वो हम सेकेंड पैरामीटर करके देखेंगे। थर्ड पैरामीटर इज थोड़ा टेक्निकल, दैट इज साउंड क्वालिटी, कि जो भी आवाज सुनाई दे रहा है वीडियो में जो साउंड है, जो ओवरऑल क्लैरिटी है उसकी वो कैसी है, क्या वो ऑडियो का जो क्वालिटी है उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है या वॉल्यूम बहुत ही कम है, ऐसे हो रहा है क्या, क्या वॉइस मॉड्यूलेशन यूज किया गया है जो भी ऑथर है उन्होंने ऊपर नीचे या मोनोटोनस है, इन चीजों का हम यहाँ पर सोच विचार कर सकते हैं साउंड क्वालिटी। फोर्थ पैरामीटर इज क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज, तो इसमें यहाँ पर चार पॉइंटर्स लिखे हैं कि बहुत ज्यादा इमेजेस है या बहुत ज्यादा टेक्स्चुअली टेक्स्ट के हिसाब से हैवी है कंटेंट, ऐसे तो नहीं ना हो रहा। अगेन ये क्लैरिटी ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज एंड उसका बैलेंस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रेड 1 to 5 के लिए हमें शायद ज्यादा इमेजेस ज्यादा एनिमेशन की जरूरत है, ग्रेड 9 to 12 के लिए कुछ भी जरूरत नहीं, तो क्या वो उस सोच विचार करके उसमें है जो भी इमेजेस यूज किए गए हैं क्या उसका रेजोल्यूशन ठीक है, वो इमेजेस फट रहे हैं या उस पर वाटर मार्क्स दिख रहे हैं, ऐसे हो रहा है क्या, कॉपीराइटेड वो इमेजेस है क्या, वो हमें चेक करना होगा। फॉन्ट साइज जो है इमेजेस की टेक्स्ट की क्या वो कंसिस्टेंट है अक्रॉस द एंटायर वीडियो, ऐसे नहीं हो रहा है कि स्टार्टिंग में बहुत ही बड़ा फॉन्ट है और बाद में दिख ही नहीं रहा है फॉन्ट, ऐसी चीजें हो रही है क्या, क्या बैकग्राउंड उस कॉन्टेंट का ठीक है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो फिफ्थ पैरामीटर है दैट इज अराउंड द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द कॉन्टेंट, कि एज अ स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक स्टूडेंट हैट पहननी है, हमें एक स्टूडेंट की तरह सोचना है कि क्या ये जो भी इंफॉर्मेशन कंटेंट में आ रही है वो मुझे एकदम इजी टू नेविगेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्या वो कंफ्यूजिंग हो रहा है मुझे एज अ स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड कि ये कंटेंट में क्या बताया जा रहा है, वो हमें यहाँ पर यूजर फ्रेंडलीनेस में सोचना, दैट इज द फिफ्थ पैरामीटर। सिक्स्थ पैरामीटर इज अराउंड कॉपीराइट, कि क्या इस कॉन्टेंट में कॉपीराइटेड इमेजेस या कॉपीराइटेड वीडियोज की इस्तेमाल की गई है। अभी अगर ये कॉन्टेंट हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आया हो तो उनका कॉपीराइट का इतना इशू नहीं होता, बिकॉज उन लोग वो इमेजेस आइदर खरीद लेते हैं या उन लोग खुद ही बना लेते हैं इमेजेस, तो वहां पे इशू नहीं होता। बट अगर बहुत सारे अपने टीचर्स ने कंटेंट बनाया है और उन्होंने वीडियो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी का यूज किया तो वहां पर कॉपीराइट के इश्यूज हो सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पर इवेल्युएट करना है। एंड लास्ट पार्ट इज अगर असेसमेंट है पूरे कॉन्टेंट के अंदर, तो क्या ये असेसमेंट लर्निंग आउटकम से लिंक्ड है या नहीं, और जो कंटेंट में सिखाया जा रहा है उससे लिंक्ड है या नहीं, या असेसमेंट कुछ और ही बता, या सेकंड क्वेश्चन इज कि ये असेसमेंट बच्चों के लर्निंग लेवल्स के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, कि बहुत ही ज्यादा रिगरस है या बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए, ऐसी भी चीजें हो रही है या नहीं, ये एक लास्ट पैरामीटर है। एंड बेस्ड ऑन ऑल दिस पैरामीटर्स जब आप इस कॉन्टेंट को कोई भी कॉन्टेंट को रिव्यू करोगे तो आपको सिंपली यस या नो ये डालते जाना ये एक्सेल शीट, और इसके बेसिस पे जो मेजॉरिटी ऑफ द यस आएंगे या मेजॉरिटी ऑफ द नो आएंगे आपका एक फाइनल डिसीजन ये पूरे शीट में बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन ऑल द पैरामीटर्स डू यू अप्रूव दिस कंटेंट टू बी होस्टेड ऑन डिक्शनरी।
ऑलरेडी अगर दीक्षा पे पोस्टेड है और आप नो बोलते हो तो वो कॉन्टेंट दीक्षा से निकाला जाए, अब आप यस बोलते हो तो वो कॉन्टेंट दीक्षा पे कंटिन्यू या नया कॉन्टेंट एड। तो इसमें एक पॉइंट है कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सारे ही पैरामीटर्स को कभी ना कभी यस हो, इस पे आप एक कॉल अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ले सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स अगर यस है और एक दो नो है जो आपको लगते हैं कि ठीक है वो चल जाएंगे, मतलब कॉपीराइट इज अ बिग नो, बट बाकी के इसमें अगर आपको लगते हैं कि ठीक है इसमें एडजस्ट हो सकता है तो आप यहाँ पर यस डाल सकते हैं। एंड उसके बाद है कि कमेंट्स, कुछ कमेंट्स वगैरह अगर आपको ऐड करने हैं कि आपने क्यों रिजेक्ट किया या क्यों एक्सेप्ट किया तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दो और चीजें हैं ये अपने पूरे कंटेंट क्वालिटी चेकलिस्ट एंड ये ट्रैकर में जो इम्पोर्टेंट है। एक है कि ये कौन से टाइप का कंटेंट है, तो अपने पांच पैरामीटर्स यहाँ पर दिए, क्या ये ई चैप्टर है, क्या ये एक्सप्लेनेशन रिसोर्स है, क्या ये लर्निंग आउटकम से रिलेटेड है, प्रैक्टिस रिसोर्स है या टीचर रिसोर्स, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लास्ट एक और चीज है कि क्या ये कंटेंट देखने के बाद आपको ऐसे लग रहा है कि इसमें और भी टॉपिक्स मतलब कवर हो सकते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर के, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर। तो ये अपना ओवरऑल शीट है, बट आई थिंक शीट तो हम और भी डिस्कस करेंगे, बट ये सात पैरामीटर्स जो है वो अपने बेसिक मिनिमम पैरामीटर्स। तो इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ये मैं स्क्रीन ऐसे ही रखता हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पैरामीटर्स जो हमने देखे हैं दोज आर सफिशियंट, दोज आर गुड इनफ, इसमें कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन है तो अभी हम वो डिस्कस कर सकते। मेजोरिटी पैरामीटर शुड बी जो ये ओके। हाउ कैन वी डिसाइड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स डेफिनेटली सर, एंड कॉपीराइट यस। सो इसमें एक चीज है कि मैं पहले कॉपीराइट का आंसर देता हूं, जो क्योंकि बबली वर्मा मैम ने भी वही पूछा है कि अगर हमारा कंटेंट किसी कंटेंट पार्टनर से आया है, जैसे अभी यहाँ पर टिकटैक लर्न से आया है, तो आपको कॉपीराइट की फिर उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो कॉपीराइटेड का उनका खुद का कॉपीराइट वो कंटेंट पे लिया रहता है। अगर आपको इवेल्युएट करना है कॉपीराइटेड है या नहीं, दो चीजें देखनी है, एक कि जो भी इमेजेस यूज की गई है क्या वो इमेजेस को क्रेडिट दिया गया है या नहीं, मतलब कहाँ से वो इमेजेस ली है, उस पर कोई वाटरमार्क्स तो नहीं है, जैसे शटर स्टॉक से इमेज लेते हैं तो एक वाटरमार्क आता है। बहुत सारे इमेजेस ऐसे होते हैं जो किसी वेबसाइट से लेते हैं और वो वेबसाइट का नीचे कुछ तो एक एड्रेस आ जाता है वो इमेज के नीचे ही, तो अगर वैसी इमेजेस है तो वो कॉपीराइटेड इमेजेस है तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरा कि कोई और ही कंपनी का वीडियो वहां पे इंक्लूड किया गया कि कंटेंट बनाया है अपने टीचर ने बट वीडियो सपोज है सुंदरम कंपनी, तो दैट्स अगेन अ कॉपीराइट कॉन्फ्लिक्ट, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीजें आप देख सकते हो। कहाँ कहाँ पर अगर रेफरेंसेस दिए हैं इमेजेस के लिए, अगर लिखा है कि ये इमेज है बट उसका क्रेडिट ये वेबसाइट का है या ये ऑर्गेनाइजेशन का है, देन इट इज ओके, वैसे दैट इज वन। रिलायबिलिटी मैम, अगेन सर, रिलायबिलिटी का हम ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट बुक से अलाइंड है या नहीं, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं अपने करिकुलम से रूटेड है या नहीं, और दूसरा कि मतलब फैक्चुअली करेक्ट है वो तो आपको टेक्स्ट बुक से ही पता चलेगा, बट जो रेफरेंसेस है कोई अगर एक्सटर्नल पॉइंटर्स बताए गए हैं तो वो सब का सोर्स वहाँ पे ठीक से मेंशन किया है या नहीं, और वो सोर्स क्या है वो हम देख सकते हैं। रिलायबिलिटी, YouTube का कंटेंट मोस्टली मैम चल जाता है, द थिंग इज कि अगर YouTube का कंटेंट है तो YouTube में भी वो कॉमन क्रिएटिव्स का जो कॉपीराइट होता है वो वाला ऑप्शन सेलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन वो हम चेक कर सकते हैं, उसका मैं एक स्टेप्स बताता हूँ आपको। बट या क्रिएटिव कॉमन्स करके जो एक ये होता है फंक्शन होता है वो सिलेक्टेड होना चाहिए तो वो यूट्यूब कॉन्टेंट हम ले सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले सकते। If sources are mentioned at the end, is it okay from copyright point of view? If the credits are given, that is fine. And copyright की बहुत सारी conditions होती है जो मनोज सर ने भी कहा है, so those things are extremely important. कि last में भी दिया है मैम। Yes, Sirisha. साई, आई जस्ट लाइक टू स्टेट कि अगर sources देने से भी sometimes it is not okay. ये बहुत ही complicated topic है copyrights, जिसके ऊपर पूरी session ले सकते हैं,
बस मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि प्लीज एक बार चेक कर दीजिए सीसीबीवाई के बारे में पढ़ने की, अगर इसके बारे में समझना है तो सीसीबीवाई के बारे में जरूर आप रिसर्च कीजिए. Because we are using for educational purposes, it does not mean कि आप use कर सकते हैं. अभी better है साई? Yes, yes, I can just, yes, hello? Now it's better. अभी crack हो रहा था. Yes, yeah. Okay, so मैं ये कह रही थी कि just because हम लोग educational purposes के लिए use कर रहे हैं, it does not mean कि हम उसको use कर सकते हैं और last में credit दे रहे हैं तो चल जाएगा. ऐसा नहीं होता है. For example, मान लीजिए आपने बाइजू का video या फिर वेदांतु है, आप इनका 5 सेकंड का वीडियो भी अगर आपने अपनी वीडियो में लगाया है वो कॉपीराइट वायलेशन है. आप आखिरी में उनको क्रेडिट दे सकते हैं बट ये कॉपीराइट्स के हिसाब से ये गलत है. तो मैं बस ये एक एग्जांपल देना चाहती थी. थैंक यू. थैंक्स रिचा. यस, तो मतलब वही कि यूट्यूब, अगर यूट्यूब वीडियो है तो जो शीरिशा कह रही थी वो बहुत जरूरी है कि क्रिएटिव कॉमन्स उसमें जो है वो होना चाहिए. वो आपको वीडियो के डिटेल्स में हमेशा दिखता है कि यूट्यूब लाइसेंस क्या है. अगर वो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होता. वो क्रिएटिव कॉमन्स है तो वो एप्लीकेबल हो सकता है. बट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द कॉपीराइट थिंग जब हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेंट देख रहे हैं, जो टिकटैक लर्न हो, अक्षरा फाउंडेशन हो, ऐसे होगा तभी वरी करने की जरूरत नहीं है. जो एड्यूसेट का भी अपना कॉन्टेंट है वो ऑलरेडी स्टेट अप्रूव्ड कॉन्टेंट है तो उसमें भी वो वरी करने की जरूरत नहीं है. अगर जब भी कभी हम ओवरऑल टीचर क्रिएटेड कंटेंट देख रहे हैं जो एग्रीगेट किया गया, तभी इन चीजों का हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है. यस, व्हाट अबाउट लैंग्वेज, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन? ऑल ऑफ दैट मैम सर शुड बी कवर्ड इन एक्यूरेसी एंड सुटेबिलिटी. कि ग्रामर एक्यूरेसी भी है या नहीं वो हम एक्यूरेसी में देखेंगे, वहां पर कवर हो सकता है. स्वयं शुरू में स्वयं बनाई है और बीच में अन्य वीडियो ऐड किया है तो फिर भी वो कॉपीराइटेड इशू हो सकता है. अगर ये टीचर क्रिएटेड कंटेंट हो फिर भी वो कॉपीराइट इशू हो सकता है. वैसा कंटेंट हम नहीं हमने नहीं लेना चाहिए वो चीज. सूर्य पूर्व से उगता है जबकि हमें पता है कि अर्थ के रोटेशन के कारण ऐसा है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में सर मतलब ये क्या है? ये बहुत ही एकदम ही माइन्यूट डिटेल है. तो हमें ऐसे सिचुएशन में ये सोचना चाहिए कि वो जो टॉपिक हमें सिखाना है क्या वो बच्चों को समझने के लिए सूटेबल है. अगर वो बच्चों को समझ में आ रहा है एंड बाकी की सब चीजें ठीक है तो ऐसी चीजों को हम फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं. बिकॉज ये बहुत ही डिटेल्ड मेरे ख्याल से एक्यूरेसी उसके लिए जरूरत है जो फिलहाल हमें उतने डिटेल में रिव्यू करने की जरूरत नहीं है. बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दैट्स अ साइंटिफिक रीजन. अगर कवर किया है तो बहुत ही अच्छा है बट अगर जो टॉपिक है वो जा रहा है बच्चों तक तो आई थिंक इट्स ओके. वी नीड नॉट वरी अबाउट एकदम इतना माइन्यूट. कैन वी सेंड बैक टू क्रिएटर? यहाँ पर ओके, मैं उसके पहले का भी ये करता हूँ. कैन वी सेंड बैक टू क्रिएटर? मोस्ट ऑफ द इसमें केसेस में शायद वो नहीं होगा. हमें आइदर अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये हम करेंगे. तो अगर हमने रिजेक्ट किया तो वो कॉन्टेंट हम निकाल देंगे, अप्रूव किया तो वो रहेगा. बट क्रिएटर से वो चेंज करवा के हम लेने में बहुत टाइम जाएगा. सो करंटली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. Our team will review it. अगर आपने कहा कि our team मतलब हम सभी जो यहाँ पर है, अगर आपने कहा कि approved rejected है तो वो reject हो जाए. वो changes करके अभी वापस आने का scope उतना नहीं. How to check whether any images under copyright है? Okay, तो इसके लिए actually अगर वो image डाल दी गई है तो वो मुश्किल हो जाता है check करने के लिए. But one way is we can simply search for the image. यहाँ पे easily बता देता हूँ कि अगर हमने school के image को search किया है, अगर हम images में जाते हैं, this is again applicable for, this is not applicable for reviewing. को कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा. But tools के जो feature है ना, ये tools में यहाँ पर एक option होता है कि copyright free हमें images दिखे.
यूसेज राइट्स यहाँ पर होता है एंड क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस। अगर ये सिलेक्टेड है ये हमारे ही यूज के लिए है, अगर कंटेंट में ऑलरेडी डाल दिया है तो द ओनली वे टू चेक इज उस पे वाटरमार्क है या नहीं, अदरवाइज वी कांट एक्चुअली चेक इट। बट इफ वी हैव टू ऐड एंड वी हैव टू सजेस्ट, दिस इज अ वेरी सिंपल चीज, इमेज में जाके टूल्स में जाके यूसेज राइट्स से हम वो देख पाएंगे, वहां से वो दिख जाता है। और कुछ सवाल है अगर एक दो तो हम वो लेते हैं, अदरवाइज देन वी कैन गेट इन टू द ओवरऑल रिव्यू। What if content is good but copyright? Then we can't, we should not take it, because although the content is good, it would have been really मतलब अच्छा होता अगर वो usage के लिए free होता, but ideally नहीं लेना चाहिए। Okay, ठीक है। किसी को और सवाल है तो हम ले सकते हैं, otherwise we can move. मनोज सर इसमें और कुछ में सर, यस यस सुनम सर, ये मैम आप म्यूट पर चले गए हो फिर से, कि इसमें ये जो ऑप्शंस है यस नो के टेबल में जैसे एक्यूरेसी में और इसमें, तो क्या हम यहाँ यस नो के साथ सजेशन इफ एनी ऐड नहीं कर सकते? यस यस मैम, यहाँ पर कमेंट्स का एक ओवरऑल कॉलम है, तो वो कमेंट्स का कॉलम में हम सजेशंस है वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप कहना चाह रहे हो कि यहीं पर हमें ऐड करना है यस लिख के, अगर नो लिखा है तो यहीं पर सजेशन ऐड करना है, वैसे करना है? सुमन मैम आप फिर से म्यूट पर चलेंगे। एग्जैक्टली सर, कि अगर हमारे जो सजेशन है स्पेसिफिक उसी कॉलम के लिए, तो उसी कॉलम में नहीं ये ऐड हो सकती? हम वैसा कर सकते हैं एक्चुअली, उसमें करने की कोई मतलब ऐसे दिक्कत नहीं है, अगर आपको यहीं पर ऐड करना है आप कर सकते हो, दैट इज फाइन। तो आप अगर यस लिख के करना है, नो लिख के करना है, आप कर सकते हो, आपकी रिमार्क्स यहां पे दे सकते। ओके यस, और किसी को है? रोहतक रूपांशी मैम, यस हेलो सर। यस मैम, एक्चुअली सर लास्ट टाइम जब मैं वीडियो क्रिएट कर रही थी लास्ट ईयर, तो क्या होता था उसमें 2-3 सेकंड के लिए ही जैसे ट्यून लगा देते हैं हम लोग, म्यूजिक लगा देते हैं बच्चे के उसके लिए, बट वहां पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता था और मुझे वहां से वो म्यूजिक पार्ट हटाना पड़ता था, तब वीडियो दोबारा अपलोड होती थी। अब यहाँ जब हम दूसरे वीडियोस देखेंगे तो मुझे यही था कि हम वो चीज कैसे चेक करेंगे कि जो उन्होंने लगाया है कितने पार्ट को हम चेक कर सकते हैं, ऐसे हो सकता है उन्होंने फोटो भी लगा रखे हों या जो वीडियो भी डाल रखा हो या म्यूजिक पार्ट भी डाला हुआ हो, तो एक वीडियो बहुत सारा एक तो टाइम टेकिंग रहेगा, दूसरा हम कैसे कहेंगे कि जो हमने चेक कर दिया ये बिल्कुल सही हो गया है। राइट राइट तो उसी लिए मैम वो एक पॉइंट मैंने पहले ये कहा था कि अगर वीडियो में ऑलरेडी इमेजेस आए हैं या कोई म्यूजिक आई है तो उसको हम अभी क्रॉस रेफरेंस से चेक नहीं कर पाएंगे कि अच्छा हमें ये म्यूजिक फिर गूगल पे सर्च करनी है और फिर वो कॉपीराइटेड है तो फिर से रिजेक्ट करना है, वो हम नहीं कर सकते एकदम डिटेल में। लेकिन विजुअली हम कर सकते हैं कि इमेजेस पे अगर वाटरमार्क्स है या नहीं है, या वीडियो या म्यूजिक का तो मैम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट वीडियो अगर कहीं और से लिया गया है सो दैट इज अ फ्लैग, तो ऐसी चीजें हमें देखनी है। बट जो आप ऑडियो कह रहे हो उसको क्रॉस रेफरेंस या क्रॉस चेक करना विल बी अ वेरी बिग एंड लेंथी प्रोसेस जैसे आपने कहा, सो फॉर नाउ वी कैन इग्नोर दैट, वी शुड नॉट गेट इनटू दैट मच डिटेल, क्योंकि फिर वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा। और जो वीडियो भी है, अगर वो वीडियो है 20 मिनट का, तो हमें पूरा 20 मिनट का वीडियो को हम थोड़ा पार्ट पार्ट में भी देख सकते हैं रिव्यू करने के लिए, एक जिस्ट समझने के लिए। नहीं तो हम पूरा 20 मिनट का वीडियो अगर लगातार देखें तो कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी जा सकता है, तो वो डिटेल में हमने देखना ही चाहिए। बट एक बार एक हैंग आ गया, हमें पता चला कि अच्छा चलो एक एक पर्टिकुलर टाइप के ये वीडियोज है, तो हम थोड़ा सा उसको पार्ट पार्ट में भी देख सकते हैं। जो मैम आपने कहा कि बहुत टाइम लगेगा, दैट इज हाउ वी कैन थोड़ा सा सेव आवर टाइम, दैट इज दैट।
बट फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि जो भी अपने नेम ऑफ द कंटेंट पार्टनर में अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो आपको ये कॉपीराइट वाले कॉलम का सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर लुकिंग एट टीचर क्रिएटेड कंटेंट. यस, कोई और कुछ कह रहा था? ओके, एक्सक्यूज मी सर. यस यस सर, वीडियो एडिटिंग के लोगोस भी आते हैं जनरली एप्स के सर. मतलब काइन मास्टर ये वाटरमार्क आ जाएगा या फिर कैम्टेशिया ऐसा वाटरमार्क आ जाता है. जी सर. तो उसमें क्या है मैम कि दोज वाटरमार्क्स कम जस्ट टू से कि वो टूल बना के टूल यूज करके बनाया गया है. तो अगर वो कंटेंट एक्चुअली अच्छा है और उसमें सिर्फ काइन मास्टर ये लोगो दिख रहा है सो इट इज ओके, उसको रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं. बिकॉज कंपनी वो डालती है इसके लिए ताकि उन लोग उनका एक वहां पे मार्क छोड़ सके कि हमारा यूज करके ये बनाया गया है. सो दे आर ओके विद दैट. ठीक है सर, थैंक यू सर. बट हाँ, ये देखना चाहिए कि वो लोगो एक्चुअल कॉन्टेंट पे तो नहीं आ रही, वो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए. ओके सर, थैंक यू. चलेगा. तो अभी जो हम एक्चुअली पार्ट कर रहे हैं सर, गूगल लिंक शोज ऑलरेडी फिल्ड. हाँ हाँ मैम, ये जो गूगल लिंक है अभी के लिए, ये हमने एक अपने रिव्यू के लिए बनाई है, अपने सैंपल के लिए बनाई है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए. ऐसे ही हर सब्जेक्ट की बनी गई है जो आप सबके ईमेल एड्रेस पे आ गई. तो अभी हम क्या करेंगे ना, एक्चुअली इसका थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. तो ग्रेड 1 to 5 इसके लिए हमने एक वीडियो की लिंक यहाँ पर डाली है जो मैं अपने चैट बॉक्स में भी डालता हूँ, और ग्रेड 1 to 10 इसकी भी हमने यहाँ पर एक लिंक डाली जो मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा. हम ब्रेकआउट रूम्स में जाएंगे, वो वीडियो मैं कहूंगा कि आप अपने अपने इसमें प्ले कर लीजिए. आई होप आप सभी लोग अपने अपने डिवाइसेस से कनेक्टेड हो, तो अपने डिवाइस पे आप वो वीडियो प्ले कर लीजिए. और फिर ये गूगल शीट की जो लिंक है वो मैं भेज दूंगा, उस पर क्लिक करके सिर्फ ये पैरामीटर्स पे वो वीडियो को एक बार देख लीजिए कि कैसे आपको एक्सपीरियंस आ रहा है रिव्यू करने का. अगर उसमें कुछ डाउट्स है तो वो हम डिस्कस कर सकते. सो शुड वी गो अहेड विद दैट? मनोज सर, एनीथिंग वी हैव टू ऐड टू दिस या वी शुड गो अहेड विद द प्रैक्टिस टाइम? नो नो, इट्स करेक्ट. सही चल रहा है बिल्कुल. आप आगे बढ़े. हाँ, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं चैट बॉक्स में, वो भी देखते रहे बीच बीच में. यस, इन्होंने